नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। नवागढ़ थाना प्रभारी डीएसपी पी अभिषेक गौतम की अध्यक्षता में सिमरिया थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। सिमरिया तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह की अगुवाई में सिमरिया नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया और सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने को कहा गया। पन्ना जिले के सिमरिया थाना प्रभारी डीएसपी पी अभिषेक गौतम ने शांति समिति बैठक का आयोजन किया, जिसमें थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समाज सेवी और बुद्धिजीवियों को बुलाकर कोरोना महामारी के विषय में बातें रखी और कहा कि इस महामारी में हम सबको एक सजग प्रहरी के समान लड़ना है, पर हमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। वहीं पूर्व थाना प्रभारी सुरेंद्र द्विवेदी और थाना प्रभारी अभिषेक गौतम ने कहा कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंस के साथ कार्य करें और अपने मुंह में मास्क लगाकर ही बाहर निकले, अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर काम कर रही है, उनको जितना हो सके मदद करें ताकि हम इस महामारी को जड़ से उखाड़ फेंके। साथ ही थाना प्रभारी अभिषेक गौतम ने कहा कि अगर आपके आसपास कोई संदेह की परिस्थिति दिखती है तो तुरंत थाने को सूचना दें ताकि हम स्थिति को नियंत्रण रख सकें। शांति समिति की बैठक में स्थानीय प्रशासन सहित नगर के बुद्धिजीवी और समाज सेवी और सभी पत्रकारगण उपस्थित रहे। पवई से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।